हाय फ्रेंड्स, मैं हूं दिलोर और आप देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी फॉर करियर यूट्यूब चैनल, जिसमें हर तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स और टिप्स लेके मैं आता रहता हूं। इस वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर एक ट्रिक्स, जिस ट्रिक्स से आप इस टाइप क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। और दोस्तों बताएंगे कि इस टाइप क्वेश्चन को सिर्फ ऑप्शन चेक करके ही आप कैसे बहुत ही आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका जो ट्रिक्स बताएंगे दोस्तों, ये ट्रिक्स है ट्रिक्स नंबर टू। इससे पहले अगर आप ट्रिक्स नंबर वन को नहीं देखे तो आप उसको जाके देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, क्योंकि इस वीडियो को समझने में बहुत ही आसान होगा। तो चलिए, इसका जो ट्रिक्स है दोस्तों, ये डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए एट फर्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में है कि द सम ऑफ द एज ऑफ ए पर्सन एंड हिज सन इज 56 ईयर्स। कह रहा है किसी पर्सन का और उसका सन का जो एज का सम है वो 56 ईयर्स। उसके बाद आफ्टर फोर ईयर्स आगे एज ऑफ द फादर इज थ्री टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। यहाँ पर कह रहा है जो फादर का एज है वो तीन गुना ज़्यादा है सन के एज से आफ्टर फोर ईयर्स। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द पर्सन, तो पर्सन का प्रेजेंट एज कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पर देखिए आफ्टर फोर ईयर्स यहाँ पर लिख सकते हैं फादर का एज और सन का एज 3:1, क्योंकि यहाँ पर फादर का एज थ्री टाइम्स ज़्यादा है सन के एज से। तो यहाँ पर पर्सन लिख लीजिए, पर्सन इज टू सन का जो एज का रेशियो होगा वो होगा 3:1। तो यहाँ पर देखिए पिछले ट्रिक्स में आपको बताए थे ट्रिक्स नंबर वन पे इसका ट्रिक्स, तो देखिए इस टाइप क्वेश्चन का ट्रिक्स देख लेते हैं और एक बार। तो देखिए यहाँ पर पर्सन और सन का एज 56 है, मान लीजिए ए है, एंड आफ्टर फोर ईयर्स यहाँ पर टाइम ले लीजिए, टी ले लीजिए इसका टाइम, और आफ्टर फोर ईयर्स के बाद या फिर आफ्टर टी ईयर्स के बाद जो रेशियो होगा फादर और सन का वो होगा m:n। तो इस कंडीशन में फादर का जो एज होगा, पर्सन का जो एज होगा उसका ट्रिक से m-n t + ma / m+n। बहुत ही आसान सा ट्रिक से अब सिंपली इन सब का मान बैठा दीजिए। उससे पहले दोस्तों पिछले जो ट्रिक्स में आपको बताए थे उस वीडियो में कि यहाँ पर देखिए आफ्टर फोर ईयर्स है, उसमें बताए थे फोर ईयर्स एगो या फिर टी ईयर्स एगो, उस कन्वर्सन में जो ट्रिक्स था वो था n-m t + ma / m+n। तो दोनों ट्रिक्स में दोस्तों यही फर्क है, यहाँ पर n-m है उस ट्रिक्स में था और यहाँ पर m-n। तो यहाँ पर अगर t ईयर्स एगो होगा तो n-m और आफ्टर t ईयर्स होगा तो m-n। तो इसको आप आसान समझ लीजिए। उसके बाद चलिए मान बैठा देते हैं m-n। तो देखिए m यहाँ पर 3 - n 1, यहाँ पर t टाइम 4 ईयर्स +m into a, m यहाँ पर 3, a यहाँ पर 56 / m+n, m+n 3 + 1। तो यहाँ पर आपका 3 - 1 = 2, 2 * 4 = 4 * 2 = 8, 8 + 3 * 56 = 168 / 4। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 8 = 6 = 172 = 176 / 4, 4 * 4 = 16 and 4 * 4 = 16, 44 ईयर्स। तो आपका जो आंसर होगा वो 44 ईयर्स, ये आपका आंसर है।
तो ऑप्शन ए का ए आपका आंसर है। अब दोस्तों इस ट्रिक से तो आप आसानी से निकल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन चेक करके क्या आप इससे भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन चेक करके भी आसानी से निकाला जा सकता है। तो चलिए देखते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं। चलिए तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में पूछा है कि पर्सन का एज है, तो मान लीजिए पर्सन का एज मान लीजिए 44 ईयर्स पर्सन का एज है, तो उसका सन का एज कितना होगा? 56 माइनस 44 तो आपका हो जाएगा 12 ईयर्स। अब दोस्तों 4 ईयर्स बाद उसका जो रेशियो होता है 3:1, मतलब कि सन से एज से फादर का एज 3 टाइम्स ज़्यादा है, तो इन दोनों से 44 ईयर्स प्लस 4 इक्वल टू 48 एंड 12 प्लस सन्स का ये हो गया फादर का पर्सन का और सन्स का यहाँ पर होगा 12 प्लस 4 चार साल बाद इससे जो होगा 16। यहाँ पर देखिए 16 के साथ अगर आप 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 ईयर्स, यानी कि ये जो एज है ये सही है, यानी कि पर्सन का जो एज होगा वो 44 ईयर्स। अब देखते हैं ऑप्शन बी को देखते हैं क्या इससे मैच करते हैं। देखिए 56 ईयर्स माइनस 42 कर लीजिए, ये जो एज आएगा वो आएगा सन्स का एज, तो आपका 14 ईयर्स ये सन्स का एज। पर्सन का एज आफ्टर 4 ईयर्स के बाद पर्सन का एज कितना होगा? पर्सन का एज होगा 42 प्लस 4 तो यहाँ पर आपका 46 और सन्स का एज कितना होगा? सन्स का एज होगा 14 प्लस 4 इजिकल टू 18। अगर आप 18 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 4 एंड 54 आ जाएगा, जो कि 46 आना चाहिए था। इसी तरह से इसको भी चेक कर लीजिए, 56 अपॉन 48 तो इसका आपका आएगा 8 ईयर्स सन का एज, चार साल बाद कितना होगा? 52 हो जाएगा पर्सन का, सन्स का हो जाएगा 12 तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 52 तो नहीं आएगा। इसको भी चेक कर लीजिए, अगर आपका ऑप्शन में नान ऑफ दोज है, मान लीजिए ये ऑप्शन है जो कि नान ऑफ दोज है, तो आपको टेंशन वाली बात है, तो आप ट्रिक्स लगा के देख सकते हैं, या फिर टाइम अगर ज़्यादा कम है तो आप इस ऑप्शन चेक करके भी आंसर निकल सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप क्वेश्चन के ऊपर और एक एग्जांपल देखेंगे, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिया गया है, क्वेश्चन देख लेते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ ए डॉटर एंड हर सन इज 56 ईयर्स, जो डॉटर का एज और मदर का एज जो है 56 ईयर्स टोटल एज, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद द एज ऑफ द मदर विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ द डॉटर, आफ्टर 4 साल के बाद मदर्स का जो एज है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है, 3 गुना ज़्यादा है डॉटर का एज से। तो यहाँ पर कह रहा है द प्रेजेंट दे आर एज आर, तो उन दोनों का प्रेजेंट एज कितना है? तो अगर आप इसको ट्रिकली सॉल्व करेंगे तो इसको ए एंड यहाँ पर टी इजिकल टू 4 एंड मदर का 3 एंड डॉटर का 1, 3:1 मदर और डॉटर का एज। तो इससे आप मदर का एज बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, जैसे एम माइनस एन टी प्लस एम ए अपन एम प्लस एन से आप मदर का एज निकाल सकते हैं, उससे ही आपका डॉटर का एज निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसको आप ट्राई कर लीजिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि ऑप्शन चेक करके कैसे निकाला जा सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन सब में आप पहले से ही देख लीजिएगा, इन दोनों ऑप्शन में सभी में जोड़ के 56 ईयर्स आ रहा है कि नहीं, 10 प्लस 46 56, 12 प्लस 44 56 ही आएगा, 11 प्लस 45 56, 13 प्लस 43 56 है। तो यहाँ पर आपका करना क्या है,
फर्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए, आफ्टर 4 ईयर्स के बाद जो डॉटर का एज होगा 10 प्लस 4 14, एंड मदर का एज होगा 46 प्लस 4 इजिकल टू 50। तो इसके अबार 3 गुना ज़्यादा करेंगे डॉटर का एज को, तो आपका आ जाएगा 42 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका कैंसिल है। तो चलिए नेक्स्ट आंसर देखते हैं। 12 ईयर्स यहाँ पर डॉटर का एज प्लस 4 काट दीजिए, तब आपका आएगा 16। मदर का एज यहाँ पर देखिए 44 प्लस 4 इजिकल टू 48। अगर डॉटर का एज को 3 गुना ज़्यादा करेंगे तो आपका आएगा 3 इंटू 6 18 एंड 1, तो आपका 48 आ रहा है। तो ये जो आंसर है ये आंसर होगा। तो यहाँ पर 4 साल के बाद डॉटर का जो एज है वो, सॉरी दोस्तों, मदर का जो एज है वो डॉटर का एज से 3 गुना ज़्यादा हो रहा है। तो ये आंसर आपका यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऑप्शन चेक करके आंसर निकल सकते हैं। अगर आप इसका ऑप्शन चेक करेंगे तो 11 प्लस 4 इजिकल टू 15, और मदर का एज होगा 45 प्लस 4 इजिकल टू 49। तो इसको अगर 3 गुना ज़्यादा करेंगे तो आंसर तो नहीं आएगा। इसी तरह से इसको भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन आंसर जो कि है नहीं आएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस टाइप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है आप इसको समझ गए होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक कर दीजिए, हो सके तो आपका दोस्तों से शेयर कर दीजिए। और अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।